राधे राधे भैया, राधे राधे। और अखबार पढ़ा आज का? हाँ, वो पढ़ा है सुसाइड के बारे में। आपको क्या लगता है, सुसाइड है या फिर मर्डर है? वो तो सोसाइटी है, बट ओके, मैंने तुमको किसी और काम के बारे में बुलाया। आओ बैठो। अच्छा, ओ ठीक है। ये सुसाइड तो हो चुका है, पर कल एक और हादसा हुआ है। एक बच्चे पे जानलेवा हमला हुआ है और शायद किसी बच्चे ने ही किया है, तो इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तो आपको किसी बच्चे पे शक है जो ऐसा कर सकता हो? अभी तो कोई सस्पेक्ट मिला नहीं है हमको, पर उसकी बॉडी पे कुछ हॉकी स्टिक से वार किए गए हैं और हमने सीसीटीवी चेक किया तो एक लड़के को देखा गया है हमने कि वो हॉकी स्टिक लेते हुए जा रहे हैं। शायद वो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सही। तो इंस्टीट्यूट ने इस केस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया है? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि कल ही एक सुसाइड हुआ है कॉलेज में और आज ये जानलेवा हमला। अगर ये बात मीडिया में जाती है तो कॉलेज का नाम बहुत ख़राब होगा। तो कॉलेज अभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉलेज ने मेरे को अपॉइंट किया है, तो इसी के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुम्हारी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, तो अगर तुम अनऑफिशियली इस काम को देख सको तो। ओके। तो जो किस्टिक लेके जा रहा था वो लड़के का रूम नंबर और जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। राधे राधे भैया। ठीक है, मैं तुम्हें कर दूंगा। राधे राधे। ओके। भाई कुछ तो बताओ यार, कुछ तो हेल्प करो, मेरी फटी जा रही है यहाँ। भाई समझ क्यों नहीं रहा है, पुलिस कभी भी आ सकती है, तुम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, मुझे पकड़ कर ले जाएगी। इतना क्यों डर रहा है बे? किसी ने देखा तेरे को? पता नहीं भाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। ऐसा करता हूँ कि मैं घर निकल लेता हूँ। चुप साले, कब से बकबक किए जा रहे, जब तूने कुछ करा ही नहीं है तो डर क्यों रहा है? ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर टहल करता हूँ यार। सुनो, ऐसा करना कि कोई भी आए तो बोल देना कि 1-2 घंटे में आ जाऊंगा मैं। व्हाट अ कॉन्सिडेंट, मैंने सोचा तुम भाग गए होंगे। चलो कोई ना, रूम पर बैठकर बात करते हैं। पर आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। एसपी राहुल मीणा। पर मैंने किया क्या है? अरे सब कुछ यही जान लोगे क्या? चलो बताते हैं। पर सर, मतलब अकेले नहीं हो? अच्छा, चलो ये भी अच्छा है, अब तो लंबे जाओगे। सर मैंने पर अरे भोसड़ी, कितने जल्दी किसी ने तमीज नहीं सिखाई? पड़ोस से कैसे बात करते हैं? हाथ कैसे लगाया भोसड़ी के? देखो पता है अरे बाप कौन अरे है। जो भी होगा सॉरी बोलना उससे, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता। और तुम दोनों बाहर निकलो 2 सेकंड में। रूम तो अच्छा है, साफ भी है, लगता नहीं तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। आज सुबह मैं सफाई करवाई थी इसलिए सर। ओ, ताकि सारे सबूत मिट जाए। अरे नहीं सर, वो तो अजय ने सुसाइड किया था, तो वो मुझे आज खुद पता चला जब शोर सुना था मैंने। और वो पता नहीं सर तीनों कैसे रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं। वो तीनों कौन? सर वो अजय जिसने, चलो बेटे को बताओ। सर वो अजय जिसने कल सुसाइड किया था, और दूसरा एक जिसका एक्सीडेंट हो गया कल, और एक तीसरा उनका एक दोस्त है जो कि शायद अमन नाम है। वो तीनों एक साथ ही रहते थे रूम पे। देखो मुझे, मैं जोड़ा नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि बात थोड़े से बाहर जाए और तुम जेल जाओ। सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुप, सीसीटीवी का नाम सुना है, सर उसमें सच सब देख के आया मैं। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया। उसमें वीडियो है तो दिख रहा है साफ साफ। सर रुको 1 सेकंड, सीसीटीवी वीडियो दिखाता हूँ तुझे।
सर वो हॉकी स्टिक सर मैं सिर्फ देने जा रहा था, मेरे रूम पे बारिश का पानी भर रखा था और उसको सुबह प्रैक्टिस पे भी जाना था तो मैं देने जा रहा था सर। कैंपस में सुसाइड हुआ है, कॉलेज में सन्नाटा छा रखा है सर, और तुम्हें हॉकी खेलने जाना है अभी बारिश के पानी में। पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, देने जा रहा था उसमें। मेरी पोस्टिंग नहीं है लेकिन मैं खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ, इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ सर, पर मैं जब इस रूम में एक दिन बंद रहोगे ना तब तुम्हारे अंकल ठिकाने आएंगे। पर सर, पर सर क्या, एक गार्ड नीचे एक गार्ड गेट गेट के बाहर है, दरवाजा बंद मत करना, ना कोई तुम रूम आ सकता है ना रूम में जा सकता है। खाने की चिंता मत करना, खाना रूम में पहुंच जाएगा और हगने की दिक्कत तुम्हारी। एम आई क्लियर? यस सर। सर तुम्हें कितना अच्छा लगता है ना। राधे राधे। तुम इस लड़के से जितना दूर होगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। एम आई क्लियर? यस जी सर। ठीक है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर ये लेटर, सर बाद में पढ़ लेना। ठीक है सर। वो अजय का सुसाइड। हाँ अरे हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ भैया, मैंने उनसे बात कर ली है। और अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे? सर नहीं, मैं बोल रहा था कि वो एसी भी बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, मतलब फाइनल ईयर जो है ना। वो मैं किसी और दिन बताता हूँ तुम्हें। ठीक है सर। चलो बढ़िया है। आपकी क्या बात? हाँ भैया ठीक है, बढ़िया है। बड़े चल रहा भैया। मेरी कुछ मीटिंग है तो मुझे जाना है। ठीक है सर, मिलते हैं कभी, बता देना मेरे को। ठीक है चलते भैया। ओके चलो ठीक है जी। ठीक है, बाय बाय। हेलो सर, मैंने सुबह आपको सर से बात करते हुए सुना। मुझे पता है कि किसने उसका एक्सीडेंट किया है। मैं कल रात को डिनर करते लौट रहा था तब मोहित, मिथिलेश और रितेश साथ में जा रहे थे, तो मैंने सुना कि तीनों कुछ किसी को मारने की बात कर रहे थे। और शायद आपको पता नहीं कि मोहित साइकोलॉजी में बहुत अच्छा है, वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है और दूसरों के दिमाग को भी बहका सकता है। तो मुझे लग रहा है अजय को सुसाइड के लिए भी मोहित ने ही बहकाया होगा।